हेलो एवरीवन, तो आ गए आप। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टीच टू ईच, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कोशिश कर रहा है कि आपको फ्री में एक्सेल का मास्टर बना दे। तो इसी राह पे चलते हुए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पिवोट टेबल क्यों और कैसे यूज की जाती है, इसके डू और डोंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। मेरा डेटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा फोन आईफोन का एग्जांपल लिया है। जितने भी मॉडल 2016 के बाद रिलीज हुए हैं उन सभी का मैंने डेटा यहाँ पे ले रखा है। तो सबसे पहले आपको डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे सारे मॉडल है जो 2016 से अब तक रिलीज हुए हैं, उसके बाद ईयर 2016 और 17 में कौन सा रिलीज हुआ, और मंथ जिन जिन मंथ में इनकी बिक्री हुई है और कितना सेल हुआ है इनका, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया जो कि मिलियंस में है। कितनी क्वांटिटी सेल हुई है जो कि है लैक्स में, और सबसे यहाँ पे मैंने नंबर डाल रखे हैं, जो भी रिपीट हो रहा है उस तरीके से नंबर डाल दिए हैं। तो देखिए, पिवोट टेबल को क्यों बनाते हैं। देखिए, पिवोट टेबल इसलिए बनाते हैं कि हम रो और कॉलम के माध्यम से एक मीनिंगफुल डेटा निकाल पाए एज पर आवर कंडीशन। बट पिवोट टेबल बनाते कैसे हैं, उससे पहले आपको तीन चीजों पे ध्यान देना होगा। वो है, देखिए, आपकी कोई भी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी चीज, आपका कोई भी कॉलम मर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मर्ज है, मैं इसे अनमर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज, कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, आप उसमें कुछ भी डालिए, भले वो जीरो हो पर उसमें कोई ना कोई वैल्यू रखिए। इससे आपकी पिवोट टेबल तो बन जाएगी, मगर आपका हो सकता है पिवोट टेबल आंसर सही ना दे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और उसके बाद हम बनाते हैं पिवोट टेबल। देखिए, आप किसी भी सेल में अपना कर्सर रख सकते हैं और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज इंसर्ट करनी होती है, आप उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे आपको पिवोट टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मैं यूज कर रहा हूँ 2016 वर्जन, उससे पहले के वर्जन में पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट एक साथ आते हैं, मगर इसमें पिवोट टेबल यहाँ पे और पिवोट टेबल चार्ट यहाँ पे आता है। तो पिवोट टेबल में क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको ये पॉपअप भी समझना होगा कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा सिलेक्ट हो गया है, मगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अपना मैनुअल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एक कॉलम नहीं लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अगर किसी अलग तरीके से मैंने किसी और कनेक्शन जैसे SQL हो गया, किसी भी कनेक्शन से आप कोई डेटा लाना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद चूज वेर यू वॉन्ट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, यानी कि कहाँ पे आप अपने पिवोट टेबल को दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट में होता है न्यू वर्कशीट और उसके अलावा होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। देखिए, एक मेरे दोस्त से क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम जिस शीट में डेटा है वहीं पे पिवोट टेबल अगर दिखाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके लिए यूज कीजिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और उसके बाद कोई लोकेशन देनी है तो आप वहां पे कोई सेल दे दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे H1 दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पे पिवोट टेबल का ऑप्शन आ गया है सेम वर्कशीट में, मगर मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलग वर्कशीट। तो देखिए, अब हम शॉर्टकट देखते हैं कि पिवोट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए Alt+N+V। देखिए, Alt+N+V 2016 से पहले वर्जन पे होता है, मैं यहाँ पे 2016 यूज कर रहा हूँ तो मैं Alt+N+V यूज करूंगा सिर्फ। और यहाँ पे मैं अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ ओके। तो देखिए, इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर जाके पिवोट टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, मैं पिवोट टेबल 1 कर देता हूं ओके। इसके बाद आप बिना सोचे समझे राइट क्लिक कीजिए, पिवोट टेबल ऑप्शन पे जाएं और इस डिस्प्ले में जाके आप इसमें क्लासिक पिवोट टेबल यूज कीजिए। ये मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इससे आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझने के लिए, अगर आप एक एक्सेल के बहुत अच्छे यूजर नहीं है तो इसको टिक कीजिए और कर दीजिए ओके। तो देखिए, पहले के मुकाबले और अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। देखिए, ये आपको खुद बता रहा है कि कहाँ पे रो डालना है, कहाँ पे वैल्यूज डालनी है, कहाँ पे कॉलम डालना है और कहाँ पे फिल्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें चार चीजें समझने वाली है कि रो, वैल्यू, कॉलम, फिल्टर।
में आप ये तो जानते हैं कि डेटा डालते हैं, लेकिन डेटा का जो सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। इसका कोई भी प्रीफिक्स एक फॉर्मेट नहीं है, ये आपकी कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइवोट टेबल एक्सपर्ट कौन होता है। देखिए, पाइवोट टेबल एक्सपर्ट वो होता है जो कम से कम शीट में, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को दिखा सके। यही एक पाइवोट टेबल एक्सपर्ट की निशानी है। ठीक है, तो बात करते हैं कि डेटा किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है कि उसे हम रो में डालें या कॉलम में। तो देखिए, रो में हमेशा वो डेटा डालिए जो कि बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक टाइम पे आप अगर अपनी वर्कशीट को देख रहे हैं तो उसमें आप अगर कंपैरिजन करेंगे रो और कॉलम के बीच, तो हमेशा रो ज़्यादा होते हैं। देखिए, 1 से 16 तक मेरे को यहाँ पर रो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे कॉलम तो कंपैरिजन सिर्फ आपके 10 या 11 हैं। तो जो भी ज़्यादा चीज़ है उसे आप रो में डालें और कॉलम में कम वाली चीज़ को। तो सबसे पहले एक कंडीशन बताता हूँ आपको कि मान लीजिए हमें देखना है कि जितने भी आईफोन के मॉडल हैं उनकी हमने कितनी सेल करी है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए, हम रो में डाल देंगे मॉडल नंबर, क्योंकि मॉडल नंबर है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि हमने कितनी सेल करी है, तो वो हम ले लेंगे सेल और डाल देंगे वैल्यूज़ में। तो देखिए, किस सेल फोन की कितनी बिक्री हुई है वो हमारा टोटल यहाँ पे आ गया है, और उसका जो ग्रैंड टोटल है वो हमें यहाँ पे दिख गया है। ओके, ये था रो और वैल्यू का कॉम्बिनेशन। अब एक स्टेप और बढ़ेंगे और एक स्टेप एडवांस देखेंगे जिसमें रो, कॉलम और वैल्यू तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ। देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मॉडल नंबर हैं उसकी सेल तो मेरे पे आ गई है, लेकिन अब मेरे को देखना है कि इसमें हम पे 2 साल का डेटा है, 2016 और 2017। तो मेरे को देखना है कि अलग अलग साल में मेरे को इसका सेल मिले। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम में ईयर को ले लूँगा। सिर्फ 2 ही साल हैं तो ये कम वाला डेटा है, मैंने से ले लिया कॉलम में। तो देखिए, 2016 में आईफोन 7 की इतनी बिक्री हुई है और 2017 में इतनी। तो अब ये डिफरेंशिएट हो गया है, इससे मेरे को पता चल सकता है कि हर साल में कितने आईफोन में इनकम कमा पा रहा हूँ। ये तो हो गया कॉलम, रो और वैल्यूज। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखिए, फिल्टर। फिल्टर आप जानते हैं, एक तरीके से छानना। अब मान लीजिए, देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मंथ हैं। अब मैं किसी एक सेपरेट मंथ का देखना चाहता हूँ कि भले वो 2016 में हो चाहे 2016 और 17 दोनों में, लेकिन मेरे को सिर्फ देखना है कि मेरा सितंबर का जो मंथ था उसमें कितनी सेल हुई है। तो सबसे पहले जो आपको फिल्टर करना है, आप उसको फिल्टर में रख दीजिए। देखिए, मंथ मैंने जैसे फिल्टर में डाला तो यहाँ पे एक यहाँ पे चीज़ ओपन हो गई है। यहाँ पे मेरे को मंथ दिखाई दे रहा है और साथ ही दिखाई दे रहा है ऑल। मैं ऑल में जाके कोई एक स्पेसिफिक मंथ सेलेक्ट करता हूँ, मैं सितंबर सेलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ इसे ओके। तो देखिए, सिर्फ सितंबर का जो महीना है 2016 का चाहे 2017 का, सिर्फ उसी का डेटा मेरा यहाँ पे आ गया है। तो देखिए, इस तरीके से फिल्टर रो, वैल्यू और कॉलम के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, अगर आपको अपने डेटा को थोड़ा अच्छा बनाना है तो आप डिज़ाइन में जाके, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं, आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये ऑरेंज कर लेता हूँ। और इसके अलावा मान लीजिए, देखिए हम पे, और इसके अलावा देखिए, शीट वन की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वांटिटी का कॉलम था। ओके, बट वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो सिलेक्शन में उस वक्त नहीं लिया था। और अब आपको अगर बीच में कोई चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे और चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, इस पर आप पूरा सिलेक्शन फिर से ले सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको यहाँ रखता हूँ और पूरा कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी दिखाई दे रही है। अब आप क्वांटिटी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक और चीज़, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं ये जो सेल हुई है इसको कुछ चेंज कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कर देना है रिफ्रेश। ओके, देखिए अब ये कुछ वैल्यू चेंज हो गई है। और मैं यहाँ से फिल्टर हटाना चाहता हूँ तो मेरे को करना पड़ेगा ऑल, और इसके बाद करूँगा मैं ओके, और इससे मेरा सारा का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, और आप सेम चीज़ अगर आपको डेटा दूसरी तरीके में चाहिए तो देखिए, मैं अगर मान लीजिए मॉडल नंबर यहाँ कर देता हूँ कॉलम पे और जो ईयर था उसे कर देता हूँ रो पे, तो देखिए जो डेटा हमारा दिख रहा है वो अब ईयर वाइज दिख रहा है। तो देखिए, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से डेटा दिखाना है। अगर आपको ईयर वाइज दिखाना है तो आप ईयर वाइज दिखा सकते हैं, अगर आपको मॉडल नंबर के तरीके से दिखाना है तो आप मॉडल नंबर के तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए, पाइवोट टेबल को आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक
किस चीज को हमें रो में सिलेक्ट करना है, किस चीज को हमें कॉलम में सिलेक्ट करना है। मुझे लगता है कि शायद से मैं आपको बड़ी आसानी से समझा पाया हूँ कि पाइवोट टेबल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर आपको ये फाइल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज कमेंट करें अपनी ईमेल आईडी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड टेक केयर।